स्वागत है हमारे आज के टेक्नोज में। आज की टेक्नोज बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत ही कमाल की खबरें लेके आया हूं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत से मोबाइल इंडिया में आज लॉन्च हुए, उनके सारे बात बताने वाले हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहली बार आया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं टेक्नोज को। IQ ने अपने न्यू स्मार्टफोन IQ 3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये दो वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है, 4G वेरिएंट और 5G वेरिएंट। 4G वेरिएंट की प्राइस दोस्तों 36,990 रुपए रखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों एक और वेरिएंट मिलता है जो कि 5G वेरिएंट है, इसकी प्राइस दोस्तों 55,000 तक रखी गई है, जो कि 49,990 रुपए दोस्तों 45,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको दोस्तों ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास या डेबिट कार्ड है तो आपको 3,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। दोनों ही तीनों ही वेरिएंट में तीन कलर वेरिएंट मिलते हैं दोस्तों। 180 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिल जाती है, 55 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है और बहुत ही बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगी। 4,440 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, बहुत ही कमाल का मोबाइल है। और दोस्तों बहुत अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 4 मार्च को आपको अवेलेबल हो जाएगा सेल के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर। फाइनली सैमसंग ने अपने एक न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31 को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जो कि M30S का सक्सेसर है। दोस्तों ज्यादा कोई चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिलता है, वही 6,000 mAh की बैटरी है, बड़ी स्क्रीन है, आगे की तरफ सेल्फी बेहतर है, पीछे की तरफ दोस्तों ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता था, अब क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 64 प्राइमरी सेंसर है, बैटरी वही 6,000 है दोस्तों, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, सुपर लैमिनेटेड डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों 15,000 रुपए के प्राइस में बेहतर मोबाइल है सैमसंग का, और नोट 8 को कॉम्पिटिशन देगा ये। और प्राइस दोस्तों Exynos का प्रोसेसर वही पुराना प्रोसेसर है, प्रोसेसर को कुछ बेहतर करना चाहिए सैमसंग को। रेडमी का K30 Pro इंडिया में जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों रेडमी ने K20 Pro को इंडिया से बंद कर दिया है, अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी और ये मोबाइल आपको नहीं देखने को मिलेगा, और K30 Pro आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों ये 4G वेरिएंट के साथ आता है या फिर 5G के साथ, अभी कुछ रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, हो सकता है ये 5G के साथ आए या फिर इंडिया में ये 4G वेरिएंट के साथ भी आ सकता है। कि 6 सीरीज इंडिया में जल्दी आपको देखने को मिलेगी, इसमें तीन मोबाइल आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, Realme 6, Realme 6 Pro, साथ ही साथ एक और मोबाइल आएगा, जैसे 5 में आपको आई देखने को मिला था उसमें 6i आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों बजट मोबाइल होने वाला है जिसकी प्राइस 8,000 से 10,000 रुपए की होगी। स्नैपड्रैगन का दोस्तों 710 प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा। इस सीरीज में आपको मीडियाटेक का भी प्रोसेसर मिलने वाला है दोस्तों, G90T जो कि 6 प्रो में आपको देखने को मिलेगा, पर 6i में आपको 710 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतर है गेमिंग के हिसाब से। और साथ ही साथ दोस्तों पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है, और इसमें नॉच मिलने वाली है जो कि पंचोल दोस्तों 6 और 6 प्रो में आपको देखने को मिलेगी, और 5,000 mAh बैटरी मिलने वाली है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ डिजाइन में चेंजेस नहीं किया है, 5 की तरह डिजाइन है, और अब कलर वेरिएंट कुछ अलग आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। अपने सेकंड फोल्डेबल फोन Mate SX को लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही बेहतर दिखने में है दोस्तों, पहले से इसमें बहुत ही एडवांस फीचर और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और अब इसमें दोस्तों आपको गूगल सर्विसेज नहीं देखने को मिलेगी, और आपको पता है दोस्तों गूगल और जो Huawei का लफड़ा चल रहा है बहुत ही टाइम से, और अब बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है ये लफड़ा, पर दोस्तों आपको Huawei मोबाइल सर्विसेज इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि Huawei की खुद की डेवलप की गई है, तो बहुत ही बेहतर मिलने वाला है, और फोल्डेबल फोन बहुत ही कमाल का है दोस्तों। Sony ने भी अपने एक 5G स्मार्टफोन को आज ग्लोबली लॉन्च कर दिया है, जिसकी दोस्तों प्राइस अभी तक कुछ निकल के नहीं है, पर बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च हुआ, और Sony Xperia 1 नाम से ये लॉन्च हुआ है, जिसमें स्नैपड्रैगन का A65 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्प्ले इसकी बहुत ही कमाल की है, 4K डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। अब देखते हो दोस्तों इंडिया में अभी Sony का काम बंद हो चुका है, Sony ने दोस्तों ऑफिशियली भी कहा है कि हम इंडिया में अब कोई भी फोन लॉन्च नहीं करेंगे, तो दोस्तों आपको बाहर ये देखने को मिल जाएगा, पर इंडिया में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर 5G मोबाइल बहुत से लॉन्च होने वाले हैं, उसी के बीच दोस्तों Honor ने आज अपने ग्लोबली एक 5G मोबाइल को लॉन्च कर दिया, Honor V30 नाम से दोस्तों पहले आ रहा था, View 30 नाम से आज लॉन्च हुआ है, View 30 Pro नाम से, जो कि एक 5G वेरिएंट है, स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोस्तों ड्यूल पंच होल सेल्फी मिलने वाली है, कमाल की डिस्प्ले है, और दोस्तों पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप नहीं दिया गया, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया, जिसमें आपको 40 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 1 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है। आगे की तरफ दोस्तों 32 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ है, और ये मोबाइल दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और इंडिया के अंदर भी आपको ये जल्दी देखने को मिल जाता है। और आप वेट कीजिए दोस्तों, आपको इंडिया के अंदर बहुत से 5G मोबाइल भी मिलने वाला है। और आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेक्नो दोस्तों पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर।